महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन भाजपा और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर पटरी नहीं बैठ पा रही है। इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे से वादा किया था कि एक दिन एक शिव सैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और मैं उनसे किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस बयान के बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का केसरिया झंडा दक्षिण मुंबई के महाराष्ट्र विधानसभा की इमारत में लहराना चाहिए। हालांकि गठबंधन को लेकर किसी भी आशंका को दूर करते हुए ठाकरे ने कहा कि 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन किया जाएगा और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। ठाकरे ने कहा कि अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो हम पीठ पर वार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुलकर अपनी बात रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना भाजपा और खुद के लिए 50-50 के अनुपात में सीटों का बंटवारा चाह रही है। इसके तहत दोनों पार्टियों को 135-135 सीटें मिलेंगी और 288 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। इधर भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। राज्य में 21 अक्टूबर को मतदान होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य में भाजपा नेता उम्मीदवारों की सूची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के बाद निर्णायक रूप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सफल दौरे से भारत लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक सूची पर पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल रविवार सुबह दिल्ली रवाना होंगे। नामांकन करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।